हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज स्टडी पॉइंट। माय नेम इज डॉक्टर विकास यादव। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज अ डॉक्टर। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बच्चों, व्हाट आर द आइटम्स विच आर प्रोहिबिटेटेड इन योर एग्जाम सेंटर। कि आप कौन कौन से आइटम्स एग्जाम सेंटर में नहीं लेके जा सकते हो, कौन से आइटम्स आपको परमिटेड होंगे, और व्हाट विल बी द ड्रेस कोड इफ यू आर अ गर्ल कैंडिडेट। तो गर्ल्स के लिए क्या ड्रेस कोड है और बॉयज के लिए क्या ड्रेस कोड है, पूरा का पूरा बच्चों एनटीए ने एक लिस्ट रिलीज की है, वही सारी चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों कि कौन कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो अगर ऑलरेडी आपके पास हैं एंड दैट इज कि आप उनको अंदर लेके जा सकते हो, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं कि भैया हमको स्पेक्स लगा है। जैसे आप मुझे देख रहे हो कि मुझे भी स्पेक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो यू आर अलाउड टू वेयर द स्पेक्स इन एग्जाम सेंटर। तो आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं बच्चों, अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो आप लोग एग्जाम के अंदर स्पेक्स पहन के जा सकते हो। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर टेलिंग कि भैया हमने स्पेक्स निकलवा लिया और कॉन्टेक्ट लेंसेज हम लोग यूज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्पेक्स नहीं पहनते और कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज करते हैं। तो यस, कॉन्टेक्ट लेंसेज आर ऑल्सो अलाउड बच्चों। तो आप कॉन्टेक्ट लेंसेज भी अगर पहनते हो तो उसको भी पहन के एग्जाम सेंटर में जा सकते हो एग्जाम देने, ठीक है बच्चों। सेकेंड चीज आ जाती है आपकी, दैट इज योर हेयरिंग एड। तो बहुत सारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं बच्चों, उनको हेयरिंग में प्रॉब्लम होती है, तो दे आर जस्ट यूजिंग हेयरिंग एड। उनकी एक मशीन आती है सुनने वाली हेयरिंग एड की। तो अगर आप लोग हेयरिंग एड का यूज करते हो तो डेफिनेटली यू कैन यूज दैट हेयरिंग एड इन योर एग्जाम सेंटर। आपको कोई नहीं रोकेगा हेयरिंग एड यूज करने से, ठीक है। नंबर थर्ड जो है दैट इज आर योर ब्रेसेस। आजकल आपने देखे होंगे मैक्सिमम बॉयज गर्ल्स दांतों में ब्रेसेस लगाए होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया ब्रेसेस में बहुत सारे मेटालिक ब्रेसेस भी होते हैं, क्योंकि मेटल तो ले जाना अलाउड नहीं होता है, तो क्या ब्रेसेस पहने हुए हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जी नहीं बच्चों, आप लोग ब्रेसेस पहन के एग्जाम दे सकते हो, कोई भी आप लोगों को नहीं रोकेगा। क्योंकि एग्जाम के लिए ऐसा थोड़ी ना कि जाके डेंटिस्ट के पास जाके ब्रेसेस निकलवाए एंड ऑल दैट। नो, यू डोंट नीड दैट। इफ यू आर हैविंग ब्रेसेस यू आर अलाउड टू गो इनटू द एग्जाम, ठीक है। नंबर फोर्थ, अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा स्टूडेंट है जिसका फ्रैक्चर हुआ है एंड ही इज हैविंग प्लास्टर, तो उसको हाथ में या पैर में प्लास्टर लगा हुआ है, तो यस ही इज आल्सो अलाउड टू गो इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर एंड वहां पे भी आप लोग प्लास्टर में एग्जाम दे सकते हो। नंबर फिफ्थ इज अ वेरी वेरी बिग कंफ्यूजन, टैटू। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं बच्चों, वो लोग कुछ टैटू वेटू बनवा लेते हैं, दे आर जस्ट टेलिंग कि भैया अब हमारे पास तो टैटू बना है, हमने फॉर्म भर दिया है, क्या हम नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। देखो बच्चों, इफ यू आर हैविंग अ परमानेंट इंक्ड टैटू, तो आप एक दिन में जाके तो वो नहीं रिमूव करवा सकते ना टैटू, ठीक है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके पास रिलीजियस के टैटूज होते हैं, ठीक है। तो इफ यू आर हैविंग अ परमानेंट टैटू, डेफिनेटली आप लोग परमिटेड हो। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि अगर आपके पास परमानेंट टैटू बना हुआ है तो आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर में एक से डेढ़ घंटे पहले पहुंच जाएं और जाके पूरा का पूरा जो चेकिंग टीम होती है उनको बता दें, सो दे विल जस्ट चेक इट आउट और फिर वो आपको अंदर जाने देंगे, ठीक है। नंबर सिक्स ऑप्शन होता है, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा बच्चों तो आपको ऑप्शंस मिलता है whether you will be select a simple dress or customary dress। भैया व्हाट कस्टमरी ड्रेस के अंदर क्या आता है बच्चों, तो कस्टमरी ड्रेस के अंदर आता है लाइक इफ यू आर अ सिख कम्युनिटी, अगर आप सिख कम्युनिटी से हो तो यू विल बी वेयरिंग टर्बन। आप पगड़ी पहनते हो तो आप लोग टर्बन पहन के जा सकते हो, यू आर अलाउड टू वेयर द टर्बन। नंबर सेकंड, इफ यू आर बिलोंग फ्रॉम अ मुस्लिम कम्युनिटी, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो हिजाब पहन के जाते हैं मुस्लिम कम्युनिटीज, तो हिजाब भी अलाउड है। लेकिन इनके साथ एक कंडीशन है कि जो भी टर्बन और हिजाब या कोई भी कस्टमरी ड्रेस पहन के जाता है, आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर में डेढ़ घंटे पहले पहुंचना है जिससे कि आपकी प्रॉपर चेकिंग हो और आप लोग को अलाउड कर दिया जाए। सो दीज आर द आइटम्स जो कि आप ये सारा स्पेक्स, हियरिंग एड, ब्रेसेस, प्लास्टर, टैटू, कस्टमरी ड्रेस, ये सारा आप अलाउड है। अब आ जाते हैं व्हाट आर विच आर नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन सेंटर। बच्चों आप लोग सनग्लासेस पहन के नहीं जा सकते, अगर कोई बड़ा कूल बने यार वहां पे आप लोग मूवी देखने नहीं जा रहे हो, यू जस्ट गोइंग देयर टू गिव योर एग्जाम, आप पेपर देने जा रहे हो, तो आप लोग आराम से अपना सनग्लासेस जो है वो घर पे निकाल के रख के जाइए, ठीक है। अगर आपको परफेक्ट स्पेक्स लगे हैं तो वो पहन के जा सकते हो, ठीक है। नंबर सेकंड इज योर ब्रेसलेट। आप लोग को वहां पे सलमान खान बनने की जरूरत नहीं है कि सलमान भाई का ब्रेसलेट पहन के चले गए हो कि या वी आर जस्ट हम लोग दिखा रहे हैं गोल्डन ब्रेसलेट, सोने का, चांदी का, वहां पे हमको अमीरी गिरी नहीं दिखाने जाना है, क्लियर। तो ब्रेसलेट वगैरह घर पे उतार के जाना है। नंबर थर्ड इज नेल पेंट। बहुत सारी लड़कियों को नेल पेंट की आदत होती है, नेल पेंट इज नॉट अलाउड बच्चों। एंड नंबर फोर्थ इज योर मेहंदी या हिना बोलते हैं उसको। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं भैया मेहंदी, हाँ अगर कोई बोले भैया मेहंदी लगा ली है और उसका कलर नहीं छूटा है तो क्या अलाउड नहीं करेंगे, डेफिनेटली अलाउड कर देंगे, थोड़ा सा पहले चले जाना। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं मेहंदी के बीच में फिजिक्स के फॉर्मूला लिख के ले गए, कुछ लिख के ले गए, दैट आर नॉट अलाउड, इज इट क्लियर। तो ये चारों चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है। अब हम आ जाते हैं भैया ड्रेस कोड के ऊपर, इज इट क्लियर। अब अगर हम ड्रेस कोड की बात करें बच्चों गर्ल्स की और बॉयज की, इज इट क्लियर। तो पहले हम लोग गर्ल्स की बात कर लेते हैं, अपर वेयर की बात कर लेते हैं बच्चों। फॉर एन एग्जाम्पल गर्ल्स के बालों की बात करते हैं सबसे पहले,
इफ यू आर हैविंग लॉन्ग हेयर्स, आप लोग के पास लंबे लंबे लॉन्ग हेयर्स हैं, तो घर से आप लोगों को पोनी टेल बना के जाना है, यू नो पोनी टेल बना के जाओ। वहां पे बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स में देखा गया है बच्चों कि पोनी टेल की जो रबर होती है उसको निकाल दिया जाता है। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, आपको प्रिपेयर होकर जाना है कि अगर वहां वो पोनी टेल की रबर निकालते हैं तो यस यू विल बी विद द ओपन हेयर्स, तो वो आपको करके जाना है। इज इट क्लियर? जो गर्ल्स क्लिप्स लगा के जाती है, क्लिप्स आर नॉट अलाउड, ठीक है, तो आपको क्लिप्स अपने घर पे ही निकाल के जाना है। इज इट क्लियर? देन आ जाते हैं अपर वेयर में। तो बच्चों अपर वेयर में आप लोगों को सिंपल टी शर्ट पहनना है, जितनी सिंपल से सिंपल पहन सकते हो, विदाउट एनी यू नो कोई भी लिखा हुआ, विदाउट एनी चेन, विदाउट एनी सम मार्किंग्स एंड ऑल दैट, एंड हाफ स्लीव। आप लोग जो बच्चे सोच रहे हो कि भैया हम फुल स्लीव और यू नो 2/3 स्लीव अगर गर्ल्स पहन के जाए, तो बच्चों लास्ट टाइम के लास्ट टाइम अगर आप देखोगे स्लीव्स कट कर दी जाती है वहीं पे, यू नो एग्जामिनेशन सेंटर पे स्लीव्स कट कर दी जाती है। तो प्लीज बी मेंटली प्रिपेयर्ड, घर से ही आप लोग हाफ टी शर्ट पहन के जाइए, प्लेन व्हाइट टी शर्ट पहन जाइए, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कुछ गर्ल्स बोलेंगी कि भैया यू नो हमारे यहाँ पे जैसे मुस्लिम कम्युनिटी की अलाउड नहीं है यू नो हाफ टी शर्ट पहनना एंड ऑल दैट, तो वो मैंने आपको अभी ऑप्शन में समझाया, कस्टमरी ड्रेस। इफ यू आर वेयरिंग हिजाब तो आप 1.5 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचिए, वहां पे चेकिंग होगी। सम ऑफ द गर्ल्स ऐसी कम्युनिटी से होती हैं जो लोग यू नो कुर्ती एंड सलवार पहनती हैं, फुल स्लीव्स की कुर्ती एंड ऑल, यू नो, तो वो लोग भी 1.5 घंटे पहले जाइए, आप चेकिंग का टीम को बताइए, डेफिनेटली दे विल यू नो सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। नंबर अनदर इंपॉर्टेंट चीज अपर वेयर के अंदर बच्चों, इफ यू आर वेयरिंग नोज पिंस, इफ यू आर वेयरिंग इयर रिंग्स, इफ यू आर वेयरिंग एनी लॉकेट और पेंडेंट और एनीथिंग नेकलेस एंड ऑल, जस्ट रिमूव ऑल द ऑर्नामेंट्स घर पे, यू नो नहीं लेके जाना एग्जामिनेशन सेंटर में, दे आर नॉट अलाउड, वो आप लोग को अंदर नहीं जाने देंगे, ठीक है। लोअर वेयर की हम बात करें, दैट विल बी सिंपल लोअर, यू नो जो नाइट पैंट्स वगैरह होते हैं सिंपल बिल्कुल प्लेन, या तो ब्लैक कलर व्हाइट कलर आप जो भी कलर यूज करो, उसके ऊपर ज्यादा चेन नहीं होना चाहिए, स्टिकी नहीं होना चाहिए पूरा, जो आप जिम कॉस्ट्यूम्स वगैरह होते हैं यू नो वो सब नहीं पहन के जाना है। सिंपल लोअर या ट्राउजर पैंट आप पहन सकते हो बिल्कुल सिंपल करके, जीन्स आर नॉट अलाउड, इज इट क्लियर? तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जीन्स। अगर हम फुटवेयर की बात करें तो ऑब्वियसली फुटवेयर के अंदर आपको हील सैंडल्स एंड शूज आर नॉट अलाउड, सिंपल बाथरूम स्लीपर पहन के जाइए, जो घर पे आप चप्पल पहन के यू नो घूमते हो ना सेम वही, इज इट क्लियर? तो अपर वेयर, लोअर वेयर और फुटवेयर तीनों आपको गर्ल्स का समझ में आ गया, दीज आर द ड्रेस कोड जो कि नीट 2023 के लिए आया है बेसिकली, इज इट क्लियर? तो नीट 2023 के लिए ये आपकी पूरी की पूरी लिस्ट रिलीज करी गई है। अगर हम बॉयज की बात करें, सेम हैपेंस विद द बॉयज, ठीक है, बॉयज के अंदर भी अगर अपर वेयर की बात करें, यू हैव टू वेयर जस्ट सिंपल टी शर्ट, ठीक है, कोई कूल नहीं बनना है वहां पे के चेन वेन डाल के जाओ, ऐसे टी शर्ट डाल के जाना, सिंपल एक टी शर्ट ले लो, यू नो वी नेक ले लो या राउंड नेक ले लो, कोई भी एक टी शर्ट वेयर पहन के जाना है। सिंपल लोअर में आप ट्राउजर पैंट पहन सकते हो, सिंपल ब्लैक या फिर व्हाइट कलर का या लोअर पहन सकते हो, यू डोंट हैव टू वेयर जींस, जींस आर नॉट अलाउड। फुटवेयर में अगेन शूज आर नॉट अलाउड, जूते पहन के मत जाना, वरना वहां दिखाओ मैं एडिडास पूमा ये जूते पहन के, नहीं भैया, सिंपल बाथरूम स्लीपर पहन के जाना, बाथरूम स्लीपर्स आर अलाउड, इज इट क्लियर? सो ये सारा का सारा हो गया बच्चों आपका ड्रेस कोड, इज इट क्लियर? और ये आपके जो आइटम्स आप लेके जा रहे हो, दीज आर अलाउड, दीज आर नॉट अलाउड, दिस इज द ड्रेस कोड। आपको कोई भी कमेंट डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या आप लोग मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है बच्चों, इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है डॉक्टर विकास यादव, ठीक है, ये सॉरी टेलीग्राम का नाम है डॉक्टर विकास यादव, आप लोग इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल और सब कुछ जला हुआ है, ठीक है, और ओपन कर रखा है मैंने, आप लोग यहाँ पे मेरे से बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है आपको इंस्टाग्राम बता देता हूँ, इंस्टाग्राम इज VIKASYADAV0876, विकास यादव 0876, दिस इज द इंस्टाग्राम हैंडल, तो आप लोग इंस्टा पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। इस वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो ठीक है भाई, आपके सब्सक्राइब से यू नो हमें मोटिवेशन मिलता है, और प्लीज वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग गाइस।